महाकरे पारस। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भैया 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 मेन मंदिर वो वाला है, मेन मंदिर वो वाला है, लेकिन मतलब जल मंदिर है वो मंदिर का मूर्ति यही है जल मंदिर में। अच्छा, समझिए हर जगह पांव का ही चिन्ह मिलेगा। अच्छा, जैसे एक तो घुस के देखिएगा तो पांव का ही चिन्ह आपको मिला होगा। हाँ, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज का जो हमारा ब्लॉग है वो पारसनाथ पहाड़ी का है, जो कि 1350 मीटर की ऊंचाई है इसकी। तो दोस्तों ये जैन धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से एक है और हमारे हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, जो कि हमारे झारखंड की शान है और लोग यहाँ पे बहुत शौक से देखने के लिए जाते हैं। और इसमें 1350 मीटर की जो ऊंचाई है उसको चढ़ाई करने के लिए 4-5 घंटा इसमें चढ़ने में लगता है। तो आज उसका नजारा दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग हजारीबाग से लगभग 100 से 110 किलोमीटर की दूरी तय करके आज हम लोग पहुंचने वाले हैं। चलिए उस रास्ते में जो कुछ भी महत्व होंगे वो सब दिखाते हुए आज हम लोग पारसनाथ पहाड़ी पे पहुंचने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए हमारी सवारी निकल चुका है और ऐसे निकल रहा है जैसे बारात में जा रहा है, उस तरह देखिए स्टाइल से एकदम चल रहा है। तो चलिए आज पारसनाथ पे एकदम चढ़ाई करके देते हैं। गाड़ी चलो भाई चलाएगा। तो हमारी गाड़ी आ चुकी है और इसी गाड़ी से आज निकलने वाले हैं पारसनाथ पहाड़ी। याद बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। 2022 का लास्ट जर्नी है ये हमारा। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है। हम लोग बगोदर टोल प्लाजा के पास है और यहाँ पे चाय पीने के लिए हम लोग रुके हुए हैं। तो देखिए मित्रों हमारे सब के सब चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। चाय पीने के बाद फिर से यहाँ से निकलेंगे पारसनाथ पहाड़ी। अरे मेरा भी चाय आ रहा है। अरे चाचा हमारा चाय दो, चाय दो। हाँ तेरा तो आइए रहा है, स्पेशली गाड़ी भी इसी का है। देखिए यही गाड़ी इसका भी है और अभी MG हेक्टर आना बाकी है इसका, उसके बाद तो फिर लद्दाख ट्रिप पे निकलने वाले हैं। चलो यो यो हनी सिंह, देखा तो चाय रेसिपी बनाया है जी। बोला यूट्यूब में बोला। हाँ तो वीडियो मारा है, वीडियो मारा है। स्मार्ट लगे क्या? स्मार्ट लग रहा है पूरा, सबे के सबे स्मार्ट लग रहा है। तो इस जर्नी में काफी मजा आ रहा है, हम लोग सारे दोस्त लोग के साथ एकदम मस्ती करते हुए, आपने वीडियो देख ही रहा होगा, इतना मजा आ रहा होगा देख करके। तो चलिए अभी हमारे झारखंड की शान जो है पारसनाथ पहाड़ी, वहाँ पे जाकर के और भी बहुत ज्यादा मस्ती होने वाला है। तो फिलहाल तो हम लोग चाय पीने के रुके हुए थे, चाय पीने के बाद ये बगोदर का टोल प्लाजा है। तो चलिए देखते हैं हमारे लास्ट ईयर 2022 से कितना जबरदस्त ट्रिप होता है। तो दोस्तों देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं पारसनाथ पहाड़ी, जो कि हम लोग मॉर्निंग में निकले थे दोस्तों 6 बजे सुबह में, और 110 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं पारसनाथ पहाड़ी। और देखिए यहां से पार्किंग के लिए गाड़ियां सब राइट की ओर मुड़ रही है, और चलिए पहले पार्किंग कर लेते हैं अपने गाड़ी को, उसके बाद यहां पैदल यात्रा पे निकलेंगे हम। बट रहा है बोतल, बट रहा है, देखो देखो पानी का बोतल बट रहा है यहाँ पे, पानी का बोतल बट रहा है, ले लो। तुम लिया जी? नहीं लेंगे। अरे पानी का बोतल ले लो,
अरे कोई ललकार बाकी है क्या पानी लेने के लिए? मामू ले रहा। मामू मामू दोस्तों देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं पारसनाथ जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो चलिए यहाँ की मस्ती दिखाते हैं, देखते हैं। दोस्तों देखिए सारे के सारे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं पारसनाथ की यात्रा करने के लिए। तो चलिए कितना घंटा लगता चढ़ा मेरे भैया? 6 घंटा लगता अभी देखने जा रहे हैं लोग। पूछो जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। और दोस्तों हम लोग आज 25 दिसंबर के दिन आए हुए थे तो देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ। चलिए फिलहाल हम लोग पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आ गया ब्रो, चलो कचौड़ी पकौड़ी कचौड़ी खाते हैं। चलो हम लोग पारसनाथ है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और दोस्तों जो 1350 मीटर की जो ऊंचाई है उसको तय करने के लिए पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, और दूसरा कि उसमें हम लोग केला वगैरह सब ले लिए हैं ताकि कुछ जगह जगह पर कुछ खाते पीते चढ़े। तो चलिए अभी फिलहाल तो हम लोग कचौड़ी खाने के लिए रुके हुए हैं, देख सकते हैं। तो खा लेते हैं पहले। तो दोस्तों हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, और नाश्ता करने के बाद अब जो है देखते हैं कितना देर लगता है चढ़ने में। बच्चा कितना देर चढ़ने में लग जाएगा? 3 घंटा पूरा। तो दोस्तों 3 घंटा यहाँ पे चचा जो है वो खाने वाले वो बता रहे हैं 3 घंटा लगता है। अब देखते हैं हम लोग कितना वक्त लगता है। और दोस्तों जो अभी वक्त हो रहा है वो 9:15 बज रहा है, तो देखते हैं कितना बजे तक चढ़ पाते हैं हम लोग। तो चलिए अब जर्नी को स्टार्ट करते हैं पारस। तो दोस्तों यहाँ से ही शुरू होता है जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जो आए थे उन सब की यहाँ पे मंदिर, छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। तो आपको रास्ते में जाते वक्त दिख जाएगा, और देखिए वहाँ से ही पहाड़ चढ़ने की चढ़ाई शुरू होती है और सभी के यहाँ पे मंदिर बनाए गए हैं। तो फिलहाल देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ से चढ़ाई करते हैं पारसनाथ मंदिर के लिए। तो यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, और वो भी पहाड़ में चढ़ना पड़ता है। ज्यादा तेज बनने की कोशिश न करें, कुछ देर में अकड़ी तकड़ी सब निकलने वाली है। चलो चलो चलो। तो दोस्तों आपको ट्रैकिंग करने के लिए अगर आप में कैसा स्टैमिना है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे लाठी का भी यूज कर सकते हैं जो कि काफी सहायता मिलती है उससे। तो देखिए रास्ते में आपको इस तरीके के बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे। तो आज जो है 25 दिसंबर है जो कि काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। सारा का हालत टाइट हो गया एकदम। लोग ओरिजिनल पर ही भरोसा करता है, कौन समझ रहा। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं पारसनाथ का सबसे पहला मंदिर जो कि काफी खूबसूरत बनाया गया है और जो कि बहुत बड़ा है। तो आप जब पहाड़ पे जब चढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहला मंदिर यही मिलेगा, आप यहाँ पे भी घूम सकते हैं। दोस्तों हम लोगों ने नीचे ज़्यादा घूमा नहीं क्योंकि पारसनाथ हम लोग लेट से पहुँचे थे। दोस्तों ट्रैकिंग करते हुए आपको आगे बढ़ना है, और हर जगह आपको बोर्ड देखने को मिलेगा। देखिए नीचे की ओर जाने के लिए मधुबन घूमने नीचे चले जाइए, और पारसनाथ ऊपर की ओर। तो दोस्तों अभी देखिए लगभग 9:15 बजे हम लोग चढ़ाई करना स्टार्ट किए थे, और अभी लगभग 1 घंटा क्रॉस हो चुका है और अभी तक हम लोग पहुंचे भी नहीं। देखते हैं कितना देर लगता है अभी पहुंचने में। बहुत ऊंचा है और बहुत थक गए हैं पूरा एकदम। चल भाई चलो 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 चलो। केदारनाथ वाला फीलिंग आ रहा है एकदम। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं खूबसूरत वादियों में। आप देख सकते हैं हल्का हल्का यहां से पहाड़ दिख रहा है, और घने जंगलों के बीच में जो कि काफी खूबसूरत होने वाला है ये जर्नी। तो दोस्तों देखिए हम लोग अब बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे पीने का पानी का व्यवस्था है। तो लोग बोतल तो खरीदते ही हैं, साथ में कुछ ना कुछ और लेकर के आते हैं देख सकते हैं, और रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे। अब क्या हुआ, थक गया कब हम लोग? अभी थके नहीं है। अरे हम लोग का पार्टनर दो को भुला गया है, उसी को ढूंढ रहे गूगल में, देखते हैं मिलता है कि नहीं। सो अरे हम लोगों के
अरे एक राउंड डांस उस कर लेगा क्या? अरे एक राउंड डांस कर लेगा सारा खत्म जाएगा। चलो चलो क्या हुआ जेठ? 9 किलोमीटर हो गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ तक आप आ सकते हैं, बाइक से भी पहुँच सकते हैं। इस जगह पे देखिए एक राइट की ओर चला जा रहा है रास्ता और एक लेफ्ट सीधा की ओर। तो यहाँ से अगर राइट की ओर जाते हैं आप तो सीधा डायरेक्ट पारसनाथ पहाड़ी जो मंदिर है वहाँ पे पहुँचेंगे, और इस साइड से अगर जाते हैं तो इसमें सारे मंदिरों को घूमते हुए आप पारसनाथ मंदिर पहुँचेंगे। तो उसके रास्ते में देखिए यहाँ पर एक झरना भी आता है जो कि काफ़ी खूबसूरत, लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए रुके हुए हैं। और आप देख सकते हैं अच्छा नज़ारा यहाँ का, तो लोग यहाँ पर जो पसीना निकल जाता है तो लोग यहाँ पे धीरे धीरे अपने फ्रेश होते हैं, थोड़ा फ्रेश होने के बाद फिर से यहाँ से यात्रा को शुरू करते हैं। और दोस्तों यहाँ के बाद लोग ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाते हैं पारसनाथ। दोस्तों अगर आते हैं खाने पीने के लिए कुछ लेकर के आए, ऊपर आने के बाद बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। और सबसे बड़ा बात है कि चढ़ने में जो मुश्किल होता है, हर जगह रुकते रुकते पहुँचिए। और जो मैंने आपको वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में 1000 सीढ़ी है वो भूल जाइए, 1000 से भी अधिक है। जितना देर आप चलते रहिएगा उतना देर तक पहुँचिएगा, वरना बहुत मुश्किल है यहाँ पर चढ़ना। अगर आपको सांस चलने से अगर प्रॉब्लम कुछ है तो यहाँ पर नहीं आइए, क्योंकि हम लोग के रास्ते में आते वक्त एक तो ऐसे लोग मिले जिनका सांस जो है लेने में दिक्कत होने की वजह से वो बेहोश हो जा रहे हैं या फिर वापस आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप पारसनाथ पे ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आप फिट रहिए और उसके बाद आइए यहाँ पे एंजॉय करिए। अभी हम लोग यहाँ पे चना खाने के लिए रुके हुए हैं और आपको जगह जगह पर ऐसा ही बैठने के लिए बनाया गया है और खा सकते हैं। यही है कि आपको कॉस्टली पड़ेगा नीचे के अकॉर्डिंग। तो चलिए अभी चना खाते हैं, चना खा रहे दोस्तों। आपको ऊपर चढ़ने के टाइम उससे वजनदार जो खाना होता है उसको नहीं खाना है, हल्का फुल्का चना एनर्जी जैसा खाइए ताकि चढ़ने में पावर मिलता रहे। तो दोस्तों देखिए हम लोग धीरे धीरे नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं पारसनाथ का, और वहां से ऊपर से देखिए जो पहाड़ों का नज़ारा है वो एकदम ही ज़बरदस्त लगता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हम लोग आसमान में पहुंच गए हों और आसमान से जो नीचे का जो खूबसूरती है उसको हम लोग निहार रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड इस प्लेस पर आने के लिए हम लोग थे, हालाँकि थकावट तो हो रही है बट मज़ा भी आ रहा है बहुत। यहाँ पे चढ़ते चढ़ते आपका पूरा पसीना निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ पे आकर के आप एकदम फ्रेश होकर के आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये अभी सारे के सारे हमारे फ्रेश हो चुके हैं दोस्त लोग, और इधर सेल्फी चल रहा है। अरे मामू किधर गए रे? अच्छा मामू आ रहे हैं उधर से। दोस्तों बस थोड़ी ही दूर है हम लोग, बाकी 99% पहुँच चुके हैं। और इधर देखिए सारा का सारा यहाँ पे यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग कहते हैं भाग चढ़े आलो। तो चलिए दोस्तों आगे का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे में, जो आपको 9 किलोमीटर जो दिखा रहा था वो यहाँ तक के ही था, बट यहाँ के बाद आप अलग अलग जो मंदिरों जो तीर्थंकर थे उनकी मंदिरों में अगर जाएंगे तो सब अलग अलग, यहाँ से कोई 1.5 किलोमीटर कोई 3 किलोमीटर इस तरीके से अलग अलग चोटियों पे है। तो फिलहाल देखिए यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा है, जो खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। तो दोस्तों इस जगह से देखिए सारे मंदिरों को यहाँ पे दर्शाया गया है। श्री जल मंदिर नीचे की ओर जाना पड़ता है, और देखिए चंद्र प्रभु टोक मंदिर 3 किलोमीटर अलग अलग चोटियों में यहाँ पे मंदिर स्थित है दोस्तों। तो ये चौक समझिए यहाँ पे 9 किलोमीटर तक यहाँ का है, उसके बाद अलग अलग मंदिरों के लिए अलग अलग दूरी तय करनी पड़ती है। तो फिलहाल देखिए अगर नीचे जाने के लिए यहाँ से 9 किलोमीटर दर्शा रहा है नीचे की ओर, और आपको इस साइड में दिखाते हैं जहाँ से जो चंद्रगुप्त टोक मंदिर जो है उस साइड में ही है, जो कि 3 किलोमीटर दूरी में देखिए वहाँ दूर तक आपको दिख रहा होगा। यहाँ से 10 मिनट ज्यादा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। यही सामने नीचे नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाना जल मंदिर। चलो चलो व्यवस्था, इधर कहीं भी पानी पीजिएगा तो बोतल खरीदना होगा। भैया मेन मंदिर वो वाला है, मेन मंदिर वो वाला है, लेकिन मतलब जल मंदिर है वो मंदिर का मूर्ति यही है जल मंदिर में। अच्छा समझ गया, हर जगह पांव का ही चिन्ह मिलेगा।
जैसे एक तो घुस के देखिएगा तो पापा ही चीन आपको मिला होगा। हाँ तो वैसा ही सब जगह मिलेगा पापा ही चीन। अच्छा तो विश्व भगवान का ही मूर्ति वही है। चलो तब फिर तो दोस्तों पारसनाथ मंदिर उधर 1.5 किलोमीटर और इस साइड में आपका जल मंदिर जो है जिधर हम लोग जा रहे हैं जल मंदिर की तरफ। कहाँ जा रहा है जी अब? जल मंदिर। जल मंदिर जहाँ पे पीने का व्यवस्था है इसे बोला गया। मतलब पानी? पानी पीने का व्यवस्था है जी। तो दोस्तों देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं जल मंदिर और यहाँ पे बताया जाता है इस मंदिर के चारों साइड में पानी भरा हुआ है। तो चलिए हम लोग भी इस जगह को देखते हैं और जानते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रॉली लगे हुए हैं और ट्रॉली के अलग अलग भाव है अलग अलग जगह पे पहुँचने के लिए। तो चलिए इसको लास्ट में जानते हैं, पहले हम लोग पहुँचते हैं जल मंदिर। तो दोस्तों देखिए जल मंदिर का ये प्राचीन जैसा गेट देखने में लग रहा है, उसके बाद हम लोग अंदर आप चलते हैं। और दोस्तों जैसा कि उन्होंने जो गार्ड अंकल थे उन्होंने बताया था कि जो पारसनाथ का जो मेन मूर्ति है उसको यहाँ पे भी स्थापित किया गया। तो चलिए उसका दर्शन करवाते हैं और उसके बाद मेन मंदिर में हम लोग रवाना हो जाएंगे यहाँ के बाद। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्राचीन ये बनाया गया है और यहाँ की कलाकृतियाँ अलग ही एकदम लेवल की हैं। तो चलिए अब मंदिर में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। तो देखिए यहाँ अंदर में लोग कितने श्रद्धालुगण यहाँ पे पहुँचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जो तीर्थंकर होते हैं वो घूमने के लिए ज़्यादातर आते हैं और जो जैन धर्म वाले हैं वो अपने भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से देखिए निकल चुके हैं मंदिर से और यहाँ से आपको जो नीचे हम लोग पहुँचे हैं वहाँ से नज़ारा पूरा दिखाते हैं जो कि काफ़ी एकदम अद्भुत है दोस्तों यहाँ से देखने में। और यहाँ देखिए अलग अलग चोटियों पे अलग अलग मंदिर हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं। तो हम लोग जो जल मंदिर था वो घूम करके अब जो मेन मंदिर है पारसनाथ का वहाँ पे चल रहे हैं। तो चलिए अब वहाँ पे भी दिखाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जितने सारे जो मंदिर है वो सारे के सारे अलग अलग चोटियों पे हैं। तो अगर आप में स्टैमिना है तो आप आइए पारसनाथ और सभी मंदिरों में घूमें। चलिए फिलहाल तो हम जो जल मंदिर था उसके बाद मेन जो मंदिर है पारसनाथ का वहाँ पे चल रहे हैं। कितना बजे रेट रहता है? 12 बजे तक पारसनाथ तक रहेगा कितना मालूम है? 2500। 12 बजे तक पारसनाथ यहाँ से? हाँ पारसनाथ छोड़ने। अच्छा और यहाँ से अगर नीचे लेके जाना रहेगा तो 5200। तो हम लोग जल मंदिर से वापस फिर से पहुँच चुके हैं यहाँ पे जहाँ पे सारा लोकेशन दिया हुआ है। तो उसके बाद फिर से हम लोग ऊपर जो पारसनाथ का जो मेन मंदिर है वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। 10 से 15 मिनट हम लोग रेस्ट किए उसके बाद फिर से पारसनाथ का मेन मंदिर जाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए पारसनाथ का मंदिर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी तय करके और जो कि पहाड़ों से फिर से तय करना है हमें। और देखिए यहाँ से आपको देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ ही। और देखिए एक साइड से आपको अगर राइट साइड से जाते हैं तो शॉर्टकट है और लेफ्ट साइड से अगर जाते हैं तो आपको पूरे पहाड़ से घूम करके आपको जाना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग जो शॉर्टकट वाला रास्ता था उसी से डायरेक्ट हम लोग पारसनाथ मंदिर तक पहुँचेंगे। महफिल जमाओ। तो दोस्तों शॉर्टकट वाला से हम लोगों को बहुत ज़्यादा तो राहत मिला था बट यहाँ के बाद फिर से देखिए एकदम खड़ा चढ़ाई एकदम चढ़ना है। और यहाँ के बाद हम लोग एकदम नजदीक आ चुके हैं पारसनाथ मंदिर के पास। जीवन का पहला यात्रा तीर्थ स्थल। और देखिए हमारे सामने कितना ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं और वक्त भीड़ रहता होगा या नहीं पता नहीं लेकिन अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो फिलहाल हम लोग पारसनाथ के नज़दीक पहुँच चुके हैं सीढ़ियाँ चढ़ना। देखिए यहाँ से ही मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा और देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, एकदम जगह नहीं है ऐसा देखने में लग रहा है। तो फिलहाल हम लोग भी दर्शन करते हैं और कर पाते हैं कि नहीं वो जानते हैं। तो चलिए सीढ़ी जो है वो चढ़ रहे हैं और उससे ऊपर से जो मंदिर से व्यू है चारों साइड से वो दिखाते हैं जो कि अलग ही एकदम देखने में लगने वाला है आपको, क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ये हो रहा है क्योंकि काफ़ी मज़ा आ रहा है इस ट्रैकिंग करने में। तो फिलहाल देखिए हम लोग पारसनाथ का मंदिर पहुंच चुके हैं और एकदम बिल्कुल खचाखच भीड़ यहाँ पे है। और ये होता है यहाँ पे किसी व्यक्ति को चोट लग जाए क्या मतलब आप झंडे लगा के खड़े हैं?
सीधे साइड से पढ़िए, दर्शन करिए और सीधे करिए ना अंदर जाइए। तो दोस्तों मुझे जितना जैसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम लोग दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ का जो नज़ारा है उसको देख करके एंजॉय करिए। तो आप जितना देखेंगे उतना भी कम लगने वाला है, क्योंकि एकदम हम लोग टॉप में पहुँच चुके हैं और वहाँ से दिखा रहे हैं, क्योंकि ये झारखंड की सबसे ऊँची चोटी है पारसनाथ, और जो कि भीड़ भी काफ़ी है। और यहाँ पर देखिए हेलीपैड भी बनाया हुआ है ताकि आप हेलीकॉप्टर से अगर उस लायक हैं तो ज़रूर पहुँचेंगे। तो चलिए अब देखते हैं मंदिर की ओर बढ़ते हैं। देखिए यही है, देखिए अंदर हम लोग जाने नहीं दिया जा रहा है, भीड़ ज़्यादा होने की वजह से कहना है कि नहीं। सो आप लोग घूमने के लिए आए हैं और हम लोग अपने भगवान के दर्शन करने के लिए, तो इस वजह से गेट के अंदर हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पे भी देखिए अलग अलग ही बात हो रहा है, तो इस तरीके से यहाँ अभी खचाखच भीड़ होने की वजह से भी हो रहा है या फिर अलग ही कुछ है। तो फिलहाल हम लोग दर्शन भी नहीं कर पाए और वापस नीचे की ओर उतर रहे हैं, और यहाँ पे जो समिति बनाया हुआ है उससे जाकर के बात करते हैं हम लोग सारे। दोस्तों यहाँ पे जो बात हो रही है वो है कि हम लोगों को क्यों दर्शन करने नहीं दिया जा रहा है, उसी के सिलसिले में यहाँ पे लोग आक्रोश दिखा रहे हैं। यहीं पर फैलाएंगे काम का झंडा फहराएंगे हाँ चलो। तो दोस्तों हम लोग पारसनाथ की ट्रैकिंग करने के बाद इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए हम लोग नीचे की ओर उतर रहे हैं, और दोस्तों जितना देर चढ़ने में लगा था सेम उतना देर उतरने में भी लगने वाला है। और देखिए सारे के सारे अब स्पीड में अपने पैर को जल्दी जल्दी से बढ़ा रहे हैं ताकि जल्दी से नीचे उतरे और अपने घर को जाए। तो फिलहाल देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, धन्यवाद, कृपया पुनः पधारें। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे से तो दोबारा नहीं होने वाला है कि पारसनाथ की ट्रैकिंग फिर से मैं कर पाऊँ। फाइनली हम लोग जो पारसनाथ की पहाड़ी चढ़ने के बाद उतर गए हैं, हालत एकदम ख़राब हो चुका है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप यहाँ पे आते हैं, अगर ट्रैकिंग करना आता है और ट्रैकिंग में स्टैमिना है आप में, तब आइए पारसनाथ में घूमिए, उसके बाद मस्ती करिए। वरना हम जैसों के लिए बिल्कुल नहीं है, कितना मुश्किल से रुकते रुकते बैठते बैठते यहाँ तक पहुँचे हैं अपने गाड़ी के पास। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग को एंजॉय करें, और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।